आसनसोल के इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही एग्जीबिशन का उद्घाटन भी किया गया। इस कार्यक्रम के दूसरे दिन वार्षिक प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। हम लोगों ने एक एनुअल एग्जीबिशन है बच्चों द्वारा ये बनाई गई है, जिसका मेन उद्देश्य है कि जो किताबी ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल रूप में किस तरीके से करें, और इस एग्जीबिशन में जो प्रोजेक्ट वगैरह लगाए हैं और जो भी मॉडल बनाए हैं, ये टीम बिल्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत काम करता है, क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट को बनाने में 49 से 50 स्टूडेंट्स ने काम किया, इकट्ठे मिलकर 2 महीने तक किया, तब एक प्रोजेक्ट सामने आया। तो जब वो बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते वो बच्चा ये भी सीख लेता है कि मैंने जो बनाया उसकी हिस्ट्री क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। अभी बताया कि जो चित्तौड़ का किला है, बहुत सारे लोगों को भी मालूम होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जो भी लोग एग्जीबिशन देखेंगे जिन्होंने बनाया ये मैसेज आता है, यही इंफॉर्मेशन है, यही दिस इज व्हाट द लर्निंग मीन्स एंड दैट इज व्हाट वी स्टैंड फॉर देयर टीचिंग एंड।